हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटी सी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो कैमरे से रिलेटेड है। हमारे छोटे भाइयों, हमारे बड़े भाइयों को जो नहीं पता है, उन्हीं के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार कैमरे सेटिंग के अंदर जो आपको यहां पे सेव लोकेशन इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे इनेबल करके रखना चाहिए या डिसेबल करना चाहिए, या दोस्तों आप इसे कैसे यूज कर सकते हो अपने कैमरे के अंदर, वही मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे कुछ भाइयों को यहां पे नहीं पता होता है कि इस सेटिंग से क्या होता है, इस सेटिंग्स को कैसे यूज किया जाता है अपने कैमरे के अंदर, वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब दोस्तों को करना क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको कैमरा ओपन कर लेना है। जैसे आप यहां पे कैमरे को ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, यहां से देखने को मिल जाता है सेव इन लोकेशन इन्फो का ऑप्शन। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इससे होता क्या है। इससे यह होता है कि अगर आप इसे इनेबल करके रखते हो तो क्या होता है कि अपने मोबाइल फोन के कैमरे से कहीं पर भी आप फोटो को क्लिक करते हो तो उसी जगह की आपकी फोटो के अंदर लोकेशन ऐड हो जाती है, जिसे आप कह सकते हो कि आखिरकार फोटो के अंदर लोकेशन कैसे ऐड होती है जहां पे हम खड़े होकर फोटो को क्लिक करते हैं। जैसे आप कहीं पर भी टहलने जाते हो या घूमने जाते हो या यात्रा पर जाते हो और वहां पे आप अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करते हो और दो महीने बाद, तीन महीने बाद उस फोटो को देखते हो और आपको पता नहीं चलता है कि आखिरकार इस फोटो को मैंने कहां पे क्लिक किया था, तो आप अगर इस ऑप्शन को यूज करोगे, इनेबल कर दोगे, तो आपके उसी फोटो के अंदर उसी जगह की लोकेशन ऐड हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे मैंने इसे इनेबल कर दिया। आप दोस्तों आपको करना क्या, अपने मोबाइल फोन के नोटिफिकेशन बार को नीचे करना है। जैसे आप इसे नीचे करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जीपीएस, आपको इसे भी इनेबल कर देना है, यानी कि कैमरे चलाते वक्त सिर्फ आपको इसे इनेबल करना है, उसके बाद आप इसे बंद कर सकते हो। बस आपको इतना इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे कोई भी फोटो क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस फोटो को क्लिक कर लेता हूँ, हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, मैंने इस पर फोटो को क्लिक किया, यहाँ से हमारा फोटो क्लिक हो चुका। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ से देखने को मिलेगा आपको थ्री डॉट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लोकेशन का ऑप्शन। अगर तो आप इस सेटिंग को इनेबल नहीं करोगे और अपने जीपीएस को ओपन नहीं करोगे तो ये लोकेशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा तो आप नहीं पता लगा पाओगे कि आखिरकार इस इमेज को मैंने कहां पे क्लिक किया था अपने कैमरे से। अगर तो आप इस पे क्लिक करोगे तो पूरा लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, गूगल मैप आपके सामने ओपन हो जाएगा और वो जगह, वो गांव, वो शहर आपको देखने को मिलेगा। तो अपने मोबाइल फोन के अंदर कैमरे के अंदर इस सेटिंग को इस तरह से यूज किया जाता है जो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया, जहां से देखने को मिलेगा सेव लोकेशन इन्फो का ऑप्शन। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।